चंद्रशेखर आजाद की नगीना सीट से जीत और बसपा की नगीना में हार की टीस तो बसपा को हमेशा रहेगी, लेकिन अब मायावती ने भी बदला लेने की ठान ली है। उन्होंने भी चंद्रशेखर आजाद को पटखनी देने के लिए बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हां, वो नगीना लोकसभा सीट का बदला चंद्रशेखर आजाद से मीरापुर और अन्य सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लेने जा रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मायावती ने इसको लेकर एक खास और बड़ा प्लान बनाया है, और अगर ये प्लान सफल रहा तो फिर चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी राजनीति में अब नए नहीं हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीरापुर उपचुनाव से पहले ही चंद्रशेखर आजाद को बड़ी पटकनी दे डाली है। यहां से मायावती ने शाह नजर को चुनाव मैदान में उतारा है। आपको हम बता दें कि शाह नजर चंद्रशेखर आजाद के बेहद खासम खास रहे हैं और उनके मजबूत नेताओं में से एक थे, लेकिन मायावती ने आजाद समाज पार्टी के खेमे में ही सेंध लगाकर बड़ा संदेश देने का काम किया है। इसे मायावती की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर से जाहिद हसन को प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूपी की आगामी उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाली है। बसपा और आजाद समाज पार्टी की लड़ाई काफी रोचक होने वाली है, क्योंकि सांसद चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी के लिए लखनऊ से भी पैनी नजर रखी जा रही है। मायावती के खासम खास पूर्व सांसद मुनकाद अली और पूर्व सांसद गिरीश चंद्र को सहारनपुर और बरेली मंडल की भी जिम्मेदारी दी गई है। मीरापुर मुजफ्फरनगर जिले के विधानसभा सीट है और वो सहारनपुर मंडल में आती है। इस लिहाज से दोनों को सहारनपुर का प्रभारी बनाना भी मायावती की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, और चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी की भी झलक इसमें दिखती है। उधर चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हरियाणा में वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वो 20 सीटों पर अपनी ताकत आजमाएंगे। साफ है कि चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी आसान नहीं होगी, क्योंकि सांसद बनने के बाद सियासी अखाड़े के वो भी मंझे हुए खिलाड़ी बन गए हैं। लड़ाई अब आमने सामने की होगी।